ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार तीन दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है और बदलापुर का डैम खुल देने की वजह से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय मौजूद है मुमरा के रेलवे स्टेशन पर और यहां पर जो प्लेटफॉर्म नंबर एक के तरफ जो पाटिलवाड़ी करके इलाका है, जो झोपड़पट्टी है, वहाँ के लोगों के घरों में जो है काफ़ी पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो लोग जो है मुमरा के रेलवे प्लेटफार्म पर जो है शरण लिए हुए हैं। आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उनके घरों में जो है पानी भरा हुआ है और ये पूरे प्लेटफॉर्म पर जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने बच्चों को लेकर जो है यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो है शरण लिए हुए हैं और अपने अपने घरों के सामानों को लेकर यहाँ पर जो है अब प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इनके घरों में जो है पानी भर गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ठाणे हो, मुंबई हो, कल्याण, डोंबेवली, हर जगह पर, हर जगह से ऐसे ही खबरें सामने आ रही है कि लोगों के घरों में पानी भर गया है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर नाव भी उतारी गई है लोगों को मदद के लिए और लोगों की मदद भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुमरा रेलवे स्टेशन के बगल में जो पाटिलवाड़ी है वहाँ पर जिस तरह से लोगों को मुमरा के रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर आकर जो रह रहे हैं। हम, क्या नाम है आपका? प्रेमा, प्रेमा नारायण चौहान। कितने बजे आप लोगों के घर में जो है पानी? रात 3 बजे से आया हुआ है पानी। हम लोग सब गरीब लोग हैं, धंधा पानी करते हैं, निकल के आ गए, धंधा पानी करते हैं हम लोग, और हम लोग इधर भाड़े पे रहते हैं और ऐसा ये लोग अपना जो है ना पानी 3 बजे रात में से भरा हुआ है, पूरा नुकसान हुआ है। राशन जो भी हमारा खाना पीना गैस का बाटला तो हम लोग उठा के लेके आए ले, और जो राशन पानी जो हमारा सब नीचे ही है, कुछ भी नहीं लाया, डर के मारे हम लोग ऊपर आ गए ले। आके आके बोलो सर। तो आपने सुना कि जिस तरह से करीब रात में जो है 3 बजे के दरमियान जो है इन लोगों के घरों में जो है पानी भरा है। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से यहाँ के लोग जो है प्लेटफॉर्म पर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे लोगों को, कहाँ आपका घर था? अरे पानी भर गया पूरा। कब से यहाँ पर हैं आप? हम लोग 12 बजे से अभी तक कुछ भी नहीं, पानी सामान मामा सब छोड़ के इधर हम लोग बैठा है सिर्फ। तो जिस तरह से पानी भरने की वजह से आपको कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि यहाँ से दिखाएं आपको कि किस तरह से लोग अपने अपने ज़रूरत के सामानों को लेकर जो है यहाँ मुमरा के रेलवे स्टेशन जो नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वहाँ पर लोग मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर और भी मौजूद है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रमेश शंकर तिवारी। किस तरह से ये आप लोगों के घर में पानी भरा, काफ़ी बारिश भी हो रही है और जो डैम का पानी है वो भी आ रहा है, तो किस तरह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है? क्या खाना आपको मिल रहा है या बना कर खा रहे हैं क्या? अब तक तकलीफ का तो कोई बयां कर नहीं सकता क्योंकि अब आप लोगों के सब सामने ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ 11 बजे से पानी भरना चालू हुआ है। और सुबह 11 बजे लोग बता रहे रात में 3 बजे से, वो 3 बजे रात में आया था लेकिन इतना नहीं आया था पानी, 11 बजे के बाद से पानी भरा है। 1 बजे तक पूरा पाटिलवाड़ी डूब गया। हम लोग रूम छोड़ के प्लेटफार्म पे आ गए, रोज की तरह 2-3 दिन पहले से आ रहा, तो उस हिसाब से हम लोग सामान नहीं निकाला कि चलो हो गया अब निकल जाएगा, लेकिन आज इतना जल्दी जल्दी पानी भरा है कि हम लोग कुछ निकालने का कोई मौका ही नहीं मिला। आदमी अपनी 11 बजे के बाद पानी, एक बजे के बाद फिर इतना पानी हो गया था रूमों के अंदर। ये सामने जो रूम है, पीछे वाले रूमों के अंदर तो एकदम सर के ऊपर से था, ये सामने जो प्लेटफार्म के सामने रूम है उनमें इतना पानी हो गया। सब अपना अपना जान लेके भगे वहाँ से, कोई कुछ ला पाया, कोई क्या। अभी भी कुछ लोग वहाँ अंदर फंसे हुए हैं या सब सभी सब सबको बाहर लेके आए? अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं नहीं अंदर कोई नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि फिलहाल अभी जो ये पाटिलवाड़ी जो इलाका बताया जा रहा है यहाँ पर लोग जो है सब जो लोग सभी लोग जो है यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो है आकर बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। पूरा सामान लेकर आप प्लेटफॉर्म पर हैं? हाँ। क्या आप लोगों को खाना मिला कहीं से? कोई आया था यहाँ पर? खाना पानी दिया है आप? किसने दिया था? इस्नु दादा दिया, खाया है सभी लोगों को जो यहाँ स्टेशन पर हैं, सभी लोगों को।
सबको मिला, सबको खाया। इन लोगों ने बताया कि जिस तरह से उन्हें खाना मिला है, फिलहाल जो है अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से जो है यहाँ पर मुंब्रा के रेलवे स्टेशन पर जो नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वहाँ पर जो है लोग मौजूद है, जो स्टेशन से लगकर बिल्कुल जो झोपड़पट्टी एरिया थी वहाँ पर जो है लोग रहते थे, लेकिन आज जिस तरह से लगातार बारिश हुई और फिर डैम का पानी छोड़ा गया उसके वजह से लगातार जो है जलस्तर बढ़ता गया और लोग यहाँ पर मौजूद है छोड़ रहे बोल के कुछ भी नहीं बताया हम लोग, पानी बोलना चाहिए पानी छोड़ रहे, तुम लोग का सामान लेके जाए, हम लोग कुछ भी नहीं, साड़ी के ऊपर आए हम लोग, यानी सामान नहीं निकाल पाए आप लोग? निकाला नजीक वाला है वो निकाला, ऑफ साइड का तो कोई भी सामान नहीं, खाली साड़ी के ऊपर हम लोग भाग के आए लें, ये सामान थोड़ा इधर का है वो लोग निकाला है, हम लोग का सामान ऐसा ही पड़े लाए, बोलना चाहिए ना, सब भी गए हम लोग, चावल है, खाने की चीज है, कपड़े है, सब भी गए, खाली है यही कपड़ा है आंख पे, बोलना चाहिए था ना, बताना चाहिए था वो लोग ने, बताया नहीं। बिल्कुल जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है और लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर जो है लोग प्लेटफॉर्म पर है और इसी तरह की जो है खबरें बहरहाल हर जगह से आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर लोग हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन का यह नया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि दिखाए यहाँ से कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर शरण लिए हुए हैं। आप यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, क्या ये खाना क्या आप लोगों ने बनाया है या आप लोगों के लिए कहीं से भेजा गया है? ननद लेकर आई है खाना, होटल से लेकर आई, होटल से, हाँ होटल से लेकर आई है, अभी तो चाय पिए खाली बिस्कुट खाई बस, अगर खाना भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का जिस तरह से पानी भरा हुआ है और क्या नुकसान? नुकसान हो गया सर, सब भीग गए, कुछ नहीं निकाल पाए कोई भी पब्लिक, पूरा भीग गए, इतना पानी तो कैसे निकाल पाई है कि एक पानी आ गया तो है बिल्कुल नहीं निकाले, सब रूम में जाके आप देख लीजिए बिल्कुल फटाफट पानी भर गए, लड़कन के बुक भीग गई, पूरी बुक भीग गई, एक भी बुक नहीं आया, एक भी बाहर से कूलर फिर सब भीग गए हैं पूरा, अभी ये खाना खा रहे हैं, ये खाएंगे बस। फिलहाल आपने सुना कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं यहाँ, कुछ लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ के रहने वालों ने खाना भिजवाया है, तो कुछ लोग जो है यहाँ होटल से जो है खाना मंगा कर खा रहे हैं, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से जो है कुछ लोग सामान निकाल पाए अपना और कुछ लोग सामान नहीं निकाल पाए हैं, जिनका काफ़ी नुकसान हो गया है। जिस तरह से मुंब्रा के रेलवे स्टेशन पर लोग जो है यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, अभी तक इनको जो स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से मदद इन लोगों को मिल रही है, लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, क्या अभी तक आप लोगों को किसी तरह से किसी ने मदद पहुँचाया है? नहीं, पहुँचाया खाना बिना पहुँचाया अभी विष्णु भाई ने पहुँचाया खाना बिस्किट पानी सब पहुँचाया है, अभी तब 3 बजे थे भरते है, हम लोग स्टेशन पे बैठा है, हम लोग उससे आ जाओ, बाल बच्चे है छोटा छोटा 3-4 बाल बच्चे है अपना, बीवी बाल बच्चा, चावल गया पूरा गानी पूरा, कुछ सामान वगैरह आप लोग निकाल पाए या नहीं निकाल पाए? गया पूरा सामान कुछ नहीं, ये देखिए यही सामान लेके आया, बर्तन सब वही लेके आया, सब बर्तन राशन का पानी भी, राशन मासन है ना हमारा अपता लेके आता है, वो राशन पूरा गया, घर में एक जो सामान है वो पूरा बना, एक ही बार पास आ गया ये छोड़ दिया, एक ही बार नौ गेट खोला बोलता है, पहला बोल के हम लोग बोलेगा तो हम लोग सामान निकाल लेता था, सामान पूरा गया, टीवी भी पूरा गया, कुछ सामान नहीं बना। तो आपने सुना कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग जो है काफ़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं और प्लेटफार्म पर यहाँ मजबूरी पर जो है रात गुजारने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक इन्हें शासन प्रशासन के तरफ से इन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है, हालांकि स्थानीय जो लोग हैं वो लोग इन लोगों को जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं, यहाँ के जो प्लेटफार्म पर ये लोग हैं इन लोगों ने बताया कि जो मुंब्रा शहर के लोग हैं इनको काफ़ी जो है सपोर्ट किया है, इनके लिए खाना भी भिजवाया है, इस तरह के कुछ इनको सपोर्ट भी किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है और भी यहाँ पर लोग हैं। हम आपको लगातार मुंब्रा रेलवे स्टेशन का तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, फिलहाल जो यहाँ पर लोग हैं उनकी कुछ लोग जो है यहाँ पर मदद करने के लिए आए हुए हैं और कुछ बिस्किट वगैरह कुछ लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम आपका जी? गौसिया शेख।
क्या आप लोग यहाँ पे जो लोग हैं तो उनको किस तरह से आप क्या क्या मदद कर रहे हैं? जो हो सका हम लोगों ने किए, हम लोग कुछ वो नहीं करना है, हमें ये मालूम है कि वो भी इंसान है और वो तकलीफ में इस वक्त, अगर हम करेंगे तो हमारा भी बुरा वक्त है, क्योंकि डैम जो छूटा हुआ है या ये तकलीफ है ना हर घर में आ रही है, इस वक्त हर घर में पानी है, हमको कुछ नहीं मालूम, हमारे पास जो हो सकता है वो करो, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही लाना है यहाँ पे, ये जरूरी कुछ नहीं है, जो आपके पास हो पुराने कपड़े जेवर जो भी आपका सामान हो यहाँ लाओ और बांटो, घर में खाना बनाओ वो लाके बांटो, यहाँ कोई जरूरत अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो, कोई जरूरी नहीं कि आपको घर से कुछ अपने को खरीदना है, जो आपकी हिम्मत हो जो ताकत हो, जरूरी नहीं चाहे वो एक रुपया चाहे एक लाख रुपया हो, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वाले भी है गरीब भी है सब है, जो देख रहे हैं वो लाओ और बांटो, यहाँ किसी को कुछ नहीं दिखाना है, यहाँ पे सिर्फ मदद करना है, हम लोग कहाँ से आए कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी को दिखावा नहीं करना है, यहाँ पर लोगों की मदद करना है, और इसीलिए ये महिलाएं जो है यहाँ पर बिस्किट और कुछ पानी वगैरह लोगों को दे रही हैं। किस तरह से लोगों ने बताया कि उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ा, उनके घरों में काफ़ी पानी भर गया, कुछ लोग सामान निकाल पाए लेकिन कुछ लोग जो है अपने घरों से सामान नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से उनके टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन ऐसे कई कीमती सामान थे जिसका नुकसान हो गया। हालाँकि कुछ लोग जो यहाँ मुंब्रा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शरण लिए हुए इनमें जो है एक महिला भी बीमार है जिसको दवा की काफी जरूरत है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर जो है शासन प्रशासन के तरफ से इन लोगों को भी किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुंब्रा शहर के लोग कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर खाना दे रही हैं लोगों को, खाना और बिस्किट वगैरह ऐसे लोगों को पहुँचाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार बारिश जारी है, क्या है जिस तरह से यहाँ मुंब्रा के रेलवे स्टेशन पर लोग जो है एक यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, काफ़ी तकलीफें उठा रहे हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, क्या अभी तक कोई प्रशासनिक अमले के तौर पर यहाँ पर आया? कोई नहीं आया अभी तक के, हम लोग काम पे से भाग के आए, अपना सामान भी नहीं निकाल पाए, फ्रिज टीवी सब रूम पानी के अंदर भरा हुआ है, इतने पानी पे गए थे, जो कपड़ा ऊपर था खाली वही थोड़ा बहुत पहनने के लिए निकाल पाए, बाकी सब पानी के अंदर है, एक भी पानी के बाहर निकला नहीं अभी तक का, अभी भी पानी भरा हुआ इतना, काफी नुकसान हुआ। तरफ से कोई नहीं आया, खाली अपने विशु भाई आए जो सबको खाना बांट के गए, लास्ट टाइम भी अभी 7-8 दिन पहले भी सेम वही हुआ था और आज भी वही हुआ, बाकी और कोई नहीं है, खाली विशु भाई ने हमको खाना बांटा था, आज भी विशु भाई ने हमको। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह से इनको जो है सहायता नहीं पहुंचाई गई है, और इन लोगों में काफ़ी जो है गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि लोग मुंब्रा के रेलवे स्टेशन पे जो है शरण लिए हुए हैं, और फिलहाल अभी भी ठाणे और मुंबई जैसे यानी पूरे महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि बारिश लगातार जारी है, और जो डैम खोला गया है उसका पानी बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।